सिंगरौली एसडीएम असमन राम चिरावन एक महिला से अपने जूते का फीता बनवाते हुए नजर आए। मामला प्रकाश में आने के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने तत्काल एसडीएम को हटाने के लिए निर्देश दिए हैं। सिंगरौली एसडीएम असमन राम चिरावन एक महिला कर्मचारी से अपने जूते का फीता बनवाते नजर आए। तस्वीरों में देखा जा सकता है एसडीएम असमन राम चिरावन एक महिला से अपने जूते का फीता बनवा रहे हैं। मामला सामने आने के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सिंगरौली कलेक्टर को निर्देश दिया है कि चितरंगी से एसडीएम असमन राम चिरावन को तत्काल हटाया जाए। इसके बाद इस मामले में एसडीएम सफाई देते नजर आए। उन्होंने कहा उनके पैर में चोट है, इस कारण महिला ने उनके जूते के फीते बांधे। जब कार्यक्रम संपन्न हुआ तो मैं अपने पांव के सहारे पैर के सहारे मैंने वो जूता को पहन तो लिया जी। पर वो बत्ती मेरा खुला हुआ था और मैं झुक नहीं सकता था, बांध नहीं सकता था जी। वो पांव में फंस रहा था और तकलीफ हो रही थी। बगल में जो है हवन कुंड और नाली था, गिरे जैसा मुझे लग रहा था जी जी। तो मेरे जो कर्मचारी है जी। निर्मला देवी जी। उन्होंने मेरा सहयोग करने के लिए मौके पर उपस्थित हुए और मेरा वो बद्दी में सहयोग किए हैं जी। बाकी मैंने उसको कभी आदेश नहीं किया और ये मैंने बाद में देखा कि कौन है मेरे पांव की तरफ आए हैं। तो मैंने देखा कि ये निर्मला देवी वहां पे जो है हेल्प कर रही थी मेरा जी जी जी। और उन्होंने मैंने पूछा भाई ये क्या कर रहे हो, तो उन्होंने कहा सर आप नाली में ना गिर जाए और बद्दी अगर फंस जाएगी तो कहीं भी गिर सकते हैं, तो मैं उसकी मदद कर रही हूँ, ये उन्होंने मौके पर कहा। इस मामले में एसडीएम के जूते के फीते बांधने वाली महिला निर्मला देवी ने साफ कहा कि उनके ऊपर जूते के फीते बांधने के लिए किसी ने दबाव नहीं डाला था। एसडीएम साहब के पैर की चोट की वजह से वे फीते नहीं बांध पा रहे थे, इसलिए उसने खुद होकर उनकी मदद की। जूता पहन के साथ चलने वाले थे, उनके जूते का बद्दी जुड़ रही थी, उसके में मैं सहयोग की सर, अपने सुरक्षा से की। अच्छा। मेरे को देखा नहीं गया, वो तो ध्यान नहीं किए थे हाँ। कि कौन जूता मेरे को बद्दी संभाल रहा था, ये भी ध्यान नहीं किए। उनकी तकलीफों को देख कर फिर बद्दी संभालेंगे तो सर झुक जाएंगे, गिर हाँ। जाएंगे हाँ। नाली हाँ। है हाँ। कुंड है हाँ। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।